ये खबर है नोएडा से जुड़ी हुई। दरअसल नोएडा के फिल्म सिटी में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, ये बताया जा रहा है, और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। बड़ी जानकारी आपको दे दें, फिल्म सिटी के अंदर बदमाश पकड़ा गया है। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है और इस बदमाश को पकड़ लिया गया। तो ये तस्वीर सामने आई है, आपको बता दें फिल्म सिटी का मामला है। नोएडा की फिल्म सिटी में एनकाउंटर हुआ तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये देखिए एक मोबाइल और तमंचा भी नजर आ रहा है। ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया जो भागा, और चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा अट्टा और अठारह द्वारा इसका पीछा किया गया। यहाँ फिल्म सिटी के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिजली घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई है जिसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। तभी फायर में घायल हुआ है, इसका नाम दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता है और दिल्ली NCR में इसके ऊपर 21 अभियोग पंजीकृत हैं। ये मशहूर गैंग है छैनी का, छैनू गैंग का है, इसका ये शूटर भी रहा है। 21 अभियोगों के अलावा 2 अभियोगों में ये थाना सेक्टर 20 से ही वांछित है, जो चाइनीज रेंची के हैं, और इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो फेज 3 से चोरी गई है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल के अलावा एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य अभियोगों की जानकारी की जा रही है। एक साथी जो इसका था वो मौके से फरार हो गया, उसकी भी तलाशी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं। राजू राज, अक्सर ये वो रास्ता है जहां से हम लोग गुजरते भी हैं, लेकिन पुलिस के साथ बदमाशों की ये जो मुठभेड़ हुई है इससे सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि सफलता मिली है। कई जो मामले हैं इस पर दर्ज थे आरोपी पर। देखिए निश्चित तौर पर यह घटना आज सुबह की है। ब्रह्मपुत्रा मार्केट में पुलिस ने पिकेट लगाया था और वहां पर बाइक सवार अपाचे गाड़ी में 2 संदिग्ध थे, उन्हें रोकने की कोशिश किए तो ये भागने की कोशिश किए। वहां पर पुलिस की टीम ने इनका पीछा किया और ये भागते हुए फिल्म सिटी पहुंचे, और फिल्म सिटी में जहां पर बिजली घर है वहां पर पुलिस ने इन्हें ट्रैप किया और इन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि किसी को लगा नहीं। लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दानिश नाम के एक बदमाश को पैर में गोली मारी, वो घायल अवस्था में वहीं पर गिर गया। उसके पास से एक अपाचे बाइक मिली है, 4 मोबाइल फोन है। दानिश के साथ उसका दूसरा साथी भी था जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बदमाश जो दानिश है इसके खिलाफ 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमा दिल्ली NCR में दर्ज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छेनू गैंग का शार्प शूटर है। छेनू गैंग जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, वहां पर एक बड़ा बदमाश है और उसके गैंग में कई ऐसे अपराधी शामिल है जो लूटपाट और स्नेचिंग की वारदात में शामिल होते हैं। और ये जो दानिश आरोपी है ये भी दिल्ली NCR में कई लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन आज ये नोएडा पुलिस के ट्रैप में फंस गया। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दानिश को गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर 2 दर्जन से भी ज्यादा लूट के मामले दर्ज हैं और ये छेनू गैंग का साफ शूटर भी रह चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है पुलिस को। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।